दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th. जिस तरह ये कोरोना महामारी को देखते हुए ये लॉकडाउन चल रहा है और उसके साथ साथ ये कर्फ्यू एरिया था, काफ़ी व्यापारियों को भी परेशानी हुई थी, आम जनता को भी परेशानी हुई थी. इस चीज़ को लेकर सभी व्यापारी भाई और हम लोग सब प्रशासन के पास गए और उनसे कहा कि जिस तरह के नियम हैं उन नियमों की पालना करते हुए हम लोग इस दुकानों को खोलने की अनुमति चाहते हैं. तो प्रशासन ने इस चीज़ के लिए थाना प्रभारी जो हमारे CI साहब हैं उनके लिए कह दिया था. व्यापारी आज सब उनसे मिले हैं, वो शॉप अपनी अपनी खोल रहे हैं. उनको एक फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म फिल करके और उसमें जो नियम लिखे हुए हैं उन नियमों की पालना करते हुए और सभी लोगों ने फॉर्म जमा करा दिए. आज यहाँ पर मैंने मार्केट बहुत टाइम से बंद पड़ा था इसीलिए आज खोल रहा है. तो मैंने यहाँ पर नगर निगम द्वारा गाड़ी मंगाई और जो हमारे माननीय देवनानी द्वारा जो मशीन दी गई थी छोटी वाली उससे दुकानों के अंदर जहाँ जहाँ लोगों ने कहा और बाकी उसके बाद मार्केट में पूरे में जहाँ जहाँ मार्केट पूरा खुला है वो एरिया पूरा अपना सैनिटाइज करवाया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई महामारी संक्रमित ना हो. कौन सा मार्केट में सैनिटाइज कराया था ये यहाँ पे ऊसरी गेट नवाब के बेड़ा ये केसरगंज गोल चक्कर पड़ाव क्षेत्र और आगे जो चटाई मोहल्ला जहाँ जहाँ दुकानें हैं हमारे यहाँ वार्ड की वहाँ वहाँ मैंने पूरी जगह सैनिटाइज करा दिया है और आगे भी पहले बहुत बार हो चुका है. और इसके बाद मैं अपील करती हूँ जनता से कि आप व्यापारियों को भी सपोर्ट करें, प्रशासन को भी सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप सामान लेने जाएंगे तो जो आपको गोले बना दिए गए हैं दायरे में रहने को कहा है और मास्क लगा के सैनिटाइज करके ही मार्केट में जाएं ताकि सुरक्षित आप भी रहेंगे, व्यापारी भी रहेगा. अगर व्यापारी को मार्केट कल को आपके चक्कर में बंद करना पड़ा तो कष्ट हम जनता को ही होगा. इसलिए अपील करना चाहती हूँ कि नियमों की पालना आप लोग सब करें और उसको इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए हम सब अपने सुरक्षित रहें. भारती श्रीवास्तव, शहर जिला मंत्री, भाजपा.